हेलो दोस्तों, आज पूरा देश लॉकडाउन है। हम सब अपने घरों में बंद हैं। आप सब अपने घरों में ही रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें और अपना ध्यान रखें। सारे क्लासेस बंद हैं, सारा मार्केट बंद है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे तरफ से ये कोशिश है कि जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ये छोटी सी कोशिश है। शायद इससे आपको काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 को समझने से पहले हम पैरेलल लाइन से जुड़े कुछ टाइप ऑफ एंगल्स को समझ लेते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। इनके प्रॉपर्टीज आप समझ जाओगे तो एक्सरसाइज काफ़ी ईजी लगने लगेगा। जैसे कि आप पहले इस पैरेलल लाइन के पैर को देखो, मैंने इनके ऊपर से एक और स्ट्रेट लाइन बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे एंगल्स फॉर्म हो गए, जिसको मैंने न्यूमेरिकल से रिप्रेजेंट किया। जैसे इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल है, एंगल 1, इन दोनों के बीच में एंगल 2, उसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, इनके पोजीशन के अकॉर्डिंगली मैंने इनको दो कैटेगरी में बांट लिया पहले, जैसे कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अगर पैरेलल लाइन के इंटीरियर जोन में कोई एंगल है तो वो इंटीरियर एंगल, जैसे 3, 4, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल। और पैरेलल लाइन के बाहर जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल, जैसे 1, 2, 7 और 8, ये सब पैरेलल लाइन के बाहर है, तो ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स के हम प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। इससे ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे एंगल्स को ऑल्टरनेट एंगल बोला जाता है ये समझ में आ जाएगा। जैसे दे आर इक्वल, तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये जो आपने एक स्ट्रेट लाइन देखा इसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो पेयर ऑफ एंगल्स इस स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट साइड में रहते हैं, मतलब एक एंगल अगर आप लेफ्ट से लेते हो तो उसका पेयर आपको राइट से लेना होगा। नेक्स्ट दे लाई एट डिफरेंट वर्टिसेस, मतलब आप अगर एक एंगल इस वर्टेक्स से लेते हो तो उसका जो पेयर होगा आपको दूसरे वर्टेक्स से लेना होगा। थर्ड, आइदर बोथ द एंगल्स लाई इन द इंटीरियर और इन द एक्सटीरियर, मतलब जो पेयर ऑफ एंगल है या तो दोनों इंटीरियर से लेने होंगे या तो आपको दोनों एक्सटीरियर से लेने होंगे। जैसे अगर 3 का हम ऑल्टरनेट ढूंढे तो 3 का ऑल्टरनेट एंगल यहाँ 6 है, और अगर एंगल 1 का ऑल्टरनेट एंगल ढूंढे तो वो 8 है। मतलब 3 इंटीरियर में तो उसका ऑल्टरनेट पेयर भी इंटीरियर में होगा, 1 एक्सटीरियर में तो उसका ऑल्टरनेट पेयर हमें एक्सटीरियर में मिलेगा। यही मतलब है इसका, आइदर बोथ द एंगल लाई इन द इंटीरियर और इन द एक्सटीरियर। तो ये सब प्रॉपर्टीज है। जैसे इस प्रॉपर्टीज के बेसिस में अगर मुझे कोई एंगल देखना होगा, जैसे एंगल 3 का मुझे ऑल्टरनेट एंगल ढूंढना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा ये डिफरेंट वर्टेक्स। जैसे एंगल 3 मैंने इस वर्टेक्स से लिया तो इसका जो मुझे पेयर ढूंढना है वो दूसरे वर्टेक्स से ढूंढना है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस है। एंड दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसमें, पेयर ऑफ एंगल्स लाइंग इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब मैंने 3 अगर लेफ्ट से लिए तो मुझे उसका पेयर राइट से ढूंढना पड़ेगा दूसरे वर्टेक्स से। तो राइट साइड में मेरे पास 2 ऑप्शन है, 6 और 8। अब मैं इस प्रॉपर्टीज को देखता हूँ, अदर बोथ लाई इन द इंटीरियर और इन द एक्सटीरियर। तो 3 मुझे इंटीरियर से लेना है, 3 इंटीरियर एंगल है, तो इसका पेयर मुझे इंटीरियर में मिलेगा, तो मुझे इन दोनों में से इंटीरियर एंगल को सिलेक्ट करना है। तो इंटीरियर एंगल 6 है, तो 3 का ऑल्टरनेट पेयर 6 है। इस तरह से आप ऑल्टरनेट एंगल ढूंढते हो, सारे प्रॉपर्टीज उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 3 का ऑल्टरनेट पेयर है 6, 4 का उसी तरह से 5 होगा ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में, 4 इंटीरियर में, तो ये भी इंटीरियर एंगल, दोनों के वर्टेक्स डिफरेंट होने चाहिए। एंड जैसे एंगल 2 है एक्सटीरियर में, तो इसका ऑल्टरनेट पेयर एक्सटीरियर में होना चाहिए, दोनों ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होने चाहिए, दोनों का वर्टेक्स डिफरेंट होना चाहिए, दोनों एक्सटीरियर में होने चाहिए। एंगल 1 का 8, तो ये सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ ले लिए। जैसे अगर हम इंटीरियर वाले ऑल्टरनेट एंगल देखें तो उससे हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अगर एक्सटीरियर एंगल हम लेते हैं जैसे 1 के साथ 8 है, 2 के साथ 7 है, तो उससे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, देखो ये डायग्राम सेम सिमिलर डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया, तो इसके प्रॉपर्टीज़ को हम पहले देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले दे आर इक्वल, तो ऑल्टरनेट एंगल की तरह ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स लाई इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसमें जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। ऑल्टरनेट एंगल्स हमने देखा था कि पेयर ऑफ एंगल जो है ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड में होते हैं। दे लाई एट डिफरेंट वर्टिसेस, मतलब अगर मैं 3 एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढो, तो अगर 3 इस वर्टेक्स है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर मुझे दूसरे वर्टेक्स से मिलेगा। तो दूसरे वर्टेक्स में मेरे पास 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8, तो 3 का ऑल्टरनेट मुझे इन चारों में से ढूंढना है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स लाई इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो 3 मैंने लेफ्ट साइड से लिया ट्रांसवर्सल का, तो इसका मुझे लेफ्ट साइड से पेयर मिलेगा। तो इन चारों में से लेफ्ट साइड में 5 और 7, ये मेरे पास 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट है द एंगल लाई इन द इंटीरियर,
सॉरी, वन एंगल लाई इन द इंटीरियर एंड अदर लाई इन द एक्सटीरियर. मतलब अगर एक एंगल मैं इंटीरियर से लेता हूँ तो दूसरा मुझे उसका एक्सटीरियर से लेना होगा. तो इन दोनों में कौन सा एक्सटीरियर है, अब देख लो. तो सेवन यहाँ एक्सटीरियर एंगल है, तो थ्री का पेयर होगा सेवन, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर सेवन. तो थ्री और सेवन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. उसी तरह से फोर अगर देखे तो एट होगा, क्योंकि पहले दोनों सेम साइड में होने चाहिए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए. एक अगर इंटीरियर में तो दूसरा एक्सटीरियर में होना चाहिए, दोनों के वर्टेक्स डिफरेंट होना चाहिए. एंगल टू के लिए सिक्स, क्योंकि एंगल टू अगर एक्सटीरियर में तो एंगल सिक्स इंटीरियर में है, दोनों का वर्टेक्स डिफरेंट है, दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में. वन के लिए फाइव, दोनों सेम साइड में है, दोनों का वर्टेक्स डिफरेंट है, दोनों में से एक इंटीरियर है तो दूसरा एक्सटीरियर है. थ्री के लिए सेवन. तो ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल का डेफिनेशन आप देखो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के सेम साइड में पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्लियर समझना है इंटीरियर एंगल. तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल. जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है थ्री और फाइव. अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है फोर और सिक्स. तो ये इंटीरियर एंगल के पेयर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर सप्लीमेंट्री. मतलब ये जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, ये को इंटीरियर एंगल है और ये सप्लीमेंट्री होते हैं. मतलब इनका सम 180 होता है. तो को इंटीरियर एंगल में आप लिखोगे जैसे 3 और 5 को इंटीरियर एंगल है, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल है, तो इनका ये सप्लीमेंट्री होते हैं. तो 3 प्लस 5 180 डिग्री एंड 4 प्लस 6 ये भी इंटीरियर एंगल है सेम साइड में, तो 4 प्लस 6 180 डिग्री. तो इस तरह से को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इस तरह से आप लिखोगे इसको. ओके, आई होप आपको सारे प्रॉपर्टी समझ में आ गए होंगे. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं. तो चलिए अब एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी. तो पहले एक्स और वाई फाइंड करते हैं. देखिए एक्स 50 के साथ लीनियर पेयर बन रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो है उस पर आ रही है दोनों, है ना. तो पेयर ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन नोन एज लीनियर पेयर. तो ये दोनों प्लस करके 180 डिग्री आएगा. तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पर, x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री लीनियर पेयर. इसको सॉल्व कर दीजिए. 50 लाइए राइट साइड में, माइनस कीजिए 130 डिग्री, x का वैल्यू मिल गया 130 डिग्री. फिर y निकालते हैं. y और 130 डिग्री जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. तो y का वैल्यू भी 130 डिग्री आएगा. तो y इक्वल्स 130 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अच्छा, अब हमें बोला गया कि प्रूफ करो पैरेलल लाइंस होते हैं ए बी पैरेलल सी डी. अभी मैंने आपको जब मैं प्रॉपर्टी समझा रहा था अल्टरनेट एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तब हमने देखा था कि अगर लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल की बात करें तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इन तीन में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर आप प्रूफ कर यहां शो कर सकते हो. प्रॉपर्टी का मतलब क्या, अल्टरनेट एंगल का इक्वल होना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना, को इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री होना. अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करता हुआ दिखा पा रहे हो तो इसका मतलब है लाइन पैरेलल है. तो जैसे ये एक्स और वाई ये अल्टरनेट एंगल है, तो हमें यहाँ दिखाना होगा कि ये दोनों इक्वल है. अगर हम ये दिखा पा रहे हैं तो लाइन पैरेलल है. तो यहाँ देखो एक्स और वाई हमें सेम मिले, 130 डिग्री मिले, तो हमें तो सेम मिले ना. और ये अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल का सेम होना ही प्रूफ करता है कि लाइन पैरेलल है. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिंस एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल. इस तरह से हमें सेंटेंस लिखना होता है, इनकी आइडेंटिटी बतानी होती है. सिंस एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल, ये अल्टरनेट एंगल भी है और इक्वल भी है, तभी लाइन पैरेलल है ए बी पैरेलल सी डी. ओके, नोट कर लीजिए. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई इज टू जेड इक्वल्स 3:7 फाइंड एक्स. तो ए बी सी डी से पैरेलल है, सी डी ई एफ से पैरेलल है और एंगल वाई और एंगल जेड के बीच में रेशियो है 3:7. हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम रेशियो को लेते हैं, वाई और जेड का रेशियो 3:7. लेट वाई इक्वल 3a एंड जेड इक्वल 7 है, क्योंकि रेशियो 3:7 था. उसके बाद हम लेते हैं ए बी अगर सी डी से पैरेलल है, सी डी अगर ई एफ से पैरेलल है, तो ए बी और सी ई एफ भी पैरेलल हुआ. तो सिंस ए बी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर x और z इक्वल है. देखो x और z जो है ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में और ए बी और ई एफ पैरेलल लाइन के इंटीरियर में, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पेयर ऑफ एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स में इक्वल होते हैं और दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड दे लाई इन द इंटीरियर. अगर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. तो आप रीजन डाल दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स.
अच्छा जेड यहाँ 7a है और जेड एक्स के साथ इक्वल है तो एक्स भी 7a। उसके बाद अब आ जाओ ए बी और सी डी में, तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, यहाँ दो एंगल है एक्स और वाई और ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है एंड पैरेलल लाइन के इंटीरियर में। तो आप याद करो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, उसमें थी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और पैरेलल लाइन के इंटीरियर में, तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री। तो आप ये ले लो सीन्स ए बी सी डी से पैरेलल है, ए बी सी डी से पैरेलल है तो एक्स प्लस वाई 180 डिग्री रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो एक्स की जो वैल्यू है 7 है वो डाल दीजिए, वाई की जो वैल्यू है 3 है वो इधर डाल दीजिए, इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों मिला के 10 ए इक्वल्स 180 डिग्री, ए की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 10 18 डिग्री। अच्छा अब एक्स निकाला था, हमारा क्वेश्चन था फाइंड एक्स, तो एक्स कितना है यहाँ पर, एक्स हमने 7 ए लिया हुआ था तो 7a, a में 18 डाल दो, जो हमें 18 यहाँ मिला 18 डाल दो यहाँ पे, 7 into 18 126 डिग्री। इस तरह से हमने x निकाल लिया, नोट कर लीजिए इसे एक बार।